कांधार हाईजैक का जिक्र करते हुए कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कटघरे में खड़ा करते हुए ये आरोप लगाए थे कि अजीत डोभाल ही थे जो मसूद अजहर को प्लेन में बैठाकर कांधार छोड़कर आए थे। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने मसूद अजहर जी कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद बवाल मच गया। एक तरफ बीजेपी एक आतंकी को जी कहकर संबोधित करने पर राहुल गांधी को कोस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अजीत डोभाल पर निशाना लगा रही थी। ये सच है कि उस वक्त अजीत डोभाल प्लेन में बैठाकर मसूद अजहर को कांधार ले गए थे, लेकिन कंधार कांड की कहानी ही ऐसी थी कि मसूद अजहर को रिहा करना भारत सरकार की मजबूरी हो गई थी। कंधार कांड की कहानी तो आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन हम आपको सुनाते हैं खुद अजीत डोभाल की जुबानी कंधार कांड की पूरी कहानी। कंधार कांड के बाद खुद अजीत डोभाल ने टीवी चैनल जी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। डोभाल से पहला सवाल पूछा गया था कि 20 साल पहले क्या हुआ था, जिसे याद करते हुए डोभाल ने बताया, सबसे पहले जब प्लेन काठमांडू से चलकर लखनऊ के करीब आया तब पता चला कि प्लेन ऑफ ट्रैक हो रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है। इसके बाद जानकारी मिलने पर एविएशन और इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए और कार्रवाई शुरू की गई। जब डोभाल से पूछा गया कि हाईजैकिंग का पता लगने के बाद क्या हुआ, तो उसका जवाब देते हुए डोभाल ने बताया, प्लेन हाईजैक का पता लगने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने मोर्चा संभाल लिया, जिसका मैं सदस्य नहीं था। उस वक्त मैं आईबी के स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहा था। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की पहली कोशिश ये थी कि विमान को किसी भी कीमत पर सीमा से बाहर ना जाने दिया जाए और उसे किसी भी तरह अमृतसर में रोका जा सके, क्योंकि विमान उस समय ईंधन भरवाने के लिए अमृतसर में रुका था। उस समय प्लेन को अमृतसर में रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब डोभाल से पूछा गया कि होस्टेज निगोशिएशन यानी कि आतंकियों से बातचीत करने में क्या क्या दिक्कतें आई, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया, सरकार ने आतंकियों से बातचीत करने का फैसला किया, लेकिन इसमें भी काफी दिक्कतें आई। सरकार पर जनता और मीडिया का प्रेशर था कि किसी भी तरीके से लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाए। अजीत डोभाल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में वे तब शामिल हुए जब उन्हें स्पेशल प्लेन से कंधार जाने के लिए कहा गया और निगोशिएशन के लिए आतंकियों से बातचीत करने के लिए आदेश दिए गए। डोभाल बताते हैं कि वहां पहली बार मुझे यह महसूस हुआ कि हाईजैकिंग निगोशिएशन पॉलिटिकल निगोशिएशन से बिल्कुल अलग होता है। साथ ही निगोशिएशन में समय बचाने की भी जरूरत होती है ताकि हम तीन चीजें हासिल कर सकें। पहली कि हाईजैकर किसी भी यात्री को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उन्हें बातों में उलझा कर रखना। दूसरी कोशिश ये होती है कि हम अपनी सरकार या फिर जिस देश में हाईजैकिंग हुई है उस सरकार को इतना समय दें कि वे कार्रवाई के लिए अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को तैयार कर सकें। इसके अलावा तीसरी कोशिश ये होती है कि हम आतंकियों से जानकारी जुटाएं कि उनके पास हथियार कितने हैं, वे कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, वे क्या चाहते हैं, वे फिजिकली कितने फिट हैं और उनका मनोबल कैसा है। डोभाल ने बताया कि हाईजैकिंग निगोशिएशन के समय की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। इस समय आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि आपको अपने नागरिकों की जान बचानी है। डोभाल ने बताया कि उस समय सरकार इन तीनों दिशाओं में ही बेहद कमजोर थी। हाईजैकर्स को उस समय खाना और दवाइयां मिल रही थी, वे बाहर भी आ जा रहे थे, साथ ही उनमें असुरक्षा की कोई भावना नहीं थी। आतंकियों को कोई डर नहीं था कि उन पर भारत कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में उनसे बात करना और भी कठिन हो गया था। उस समय आतंकी बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे, बल्कि भारत सरकार के अधिकारी दबाव में थे। वहां पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ISI के अधिकारी भी मौजूद थे और साथ ही तालिबानी आतंकियों ने विमान को घेर रखा था और हाईजैकर्स ये बात जानते थे कि भारतीय अधिकारी दबाव में हैं, इसलिए वे मनमानी कर रहे थे। डोभाल बताते हैं कि इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए हम जितना बातचीत कर पा रहे थे हमने उतनी बातचीत की, लेकिन आतंकियों को उससे ज्यादा पता था कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इसलिए वो बार बार निगोशिएशन के समय कह रहे थे कि आपको तो आतंकियों को छोड़ना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। डोभाल ने बताया कि एक तरफ ISI आतंकियों की मदद कर रही थी और उन्हें पल पल की खबर दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान सरकार ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया
उन्होंने अपनी जमीन पर भारत को किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी। अपहरणकर्ताओं की क्या मांग थी? इस सवाल का जवाब देते हुए डोभाल ने बताया कि आतंकियों ने 35 से 36 उग्रवादियों को रिहा करने की मांग की। इसी के साथ 200 मिलियन डॉलर भी मांगे। साथ ही उन्होंने सज्जाद अफगान नामक एक अलगाववादी के शव को मांगने की भी डिमांड की। बातचीत के दौरान उन्होंने सज्जाद अफगान के शव और 200 मिलियन डॉलर की डिमांड छोड़ दी, क्योंकि तालिबान ने उन्हें समझाया कि ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ है और अगर वे ऐसा करते हैं तो तालिबान उनका साथ नहीं देगा। लेकिन बाकी बंदियों को छोड़ने के लिए उन्होंने अपनी डिमांड कायम रखी। डोभाल ने बताया कि वे आतंकी फिदायिनी थे। उन्होंने कहा था कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम विमान को उड़ा देंगे और इन यात्रियों की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। डोभाल ने बताया कि आतंकी काफी समय तक बिना सिर पैर की बातें करते रहे। वे कहते रहे कि हमें आजाद कश्मीर चाहिए और काफी समय तक उन्होंने नहीं बताया था कि उनकी डिमांड क्या है। इसके अलावा उन्होंने यात्रियों को बातचीत करने के लिए सिर्फ 2 से 4 सेकंड का समय दिया, जिसमें उन्होंने उन्हें सिर्फ हालचाल बताने का मौका दिया। जब डोभाल से पूछा गया कि एक भारतीय होने के नाते आपको क्या निराशा हुई, तो जवाब में डोभाल ने बताया कि दुबई जैसे मित्र देश में आतंकियों ने भारत के एक नागरिक को मार दिया था, जो कि काफी निराशाजनक था। उसके अलावा सैन्य कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं बची थी और देश का मनोबल भी कमजोर हो रहा था। ऐसे में दबाव बढ़ता जा रहा था और वे चाहते थे कि नुकसान को कम से कम रखा जाए। आतंकियों ने कई मांगे रखी थी, लेकिन उनमें से किसी को पूरा नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ 3 आतंकियों को ही छोड़ा गया। इस इंटरव्यू के बीच एक वाक्य का जिक्र करते हुए डोभाल ने बताया कि जब वे यात्रियों से मिलने के लिए प्लेन में गए तो उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि भारत सरकार उन्हें सुरक्षित वापस ले जाएगी। यात्रियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने जब जय हिंद का नारा लगाया तो यात्रियों की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि वे बेहद डर चुके थे। ये देखकर डोभाल को काफी निराशा हुई और वहीं आतंकियों का मनोबल बढ़ गया था। यात्रियों की ये दशा देखकर डोभाल काफी दुखी हुए। पाकिस्तान ने आतंकियों का पूरा सहयोग किया, इसलिए डोभाल को सबसे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान पर है। किसी भी तरह से मदद ना मिलने पर यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार को मसूद अजहर और अन्य 2 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। तो ये थी कंधार कांड की पूरी कहानी अजीत डोभाल की जुबानी।